नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल जिंकी वर्ल्ड। आज देखूँ आम आरिसा पिठा बनवा। ये आरिसा पिठा बनवाई ये मुझे चार डबा चाउल नहीं चार डबा चाउल को प्रथम मुझे नौ भल रूपे धोई यह भिजाई ना। यह पाँच रु छ घंटा पर्यटन भिजाई रखा जहाँफल कि आमर बहुत भल रूपे मिक्स हम। एबे देखु मोर ये चार रु पांच घंटा अलरेडी होगला। आम छाणी नवा देखु मुझे भल रूपे छाणी नहीं आम टे ड्राए करवा जहाँफल कि आमर भल रूपे मिक्स हम मिक्सर में। ये गोटे कटन कपड़ा साहय खेल कर रखुची। ये देखु मोर पूरा पूरा ड्राई हो गला। यह मु 15 मिनट पाई फैन तले रखिदे ये कपड़ा भी मध्य सोक कर मिक्स कर नवा। ये देखो मिक्सर रे पकाई नौ चौल तक ये मिक्स कर नवा। ये देखु आम मिक्स हो गला। यह आम चल साहय चल एभली भाव सबु चाउल को चल एटी देखु मोर चूना अलरेडी हो गला। एबे आकु रखि नबा। एबे ताले चलंतु किपर प्रिपेयर करवा। ये देखते कराई बसा नीली ये हाफ कप पानी देची बेसी भी नुह। ये दुई कप मु चीनी देची कारण मुझे चार कप नहीं चाउल से ही हिसाब से दुई कप चीनी देली। एबे यहाँ भल रूपे गरम करनवा। ये फुटा नीली एबे यहाँ टिके आठा हवा पर्यंत देखु यही टिके आठा हवा दरकार पानी रे पकेले जेपरी मिसु न थी देख आमर हो गला। जमी गोटा धरु थी टिके टेस्ट करे। एम चीनी ऑलरेडी रेडी हो गला। ये चूना को आस्ते आस्ते आम पकाई नवा। यह बेसी गरम करें बर्नर को बंद कर चूना को आस्ते आस्ते कर मिसाई ने एकासह पकाइबे ना बिलकुल भी भल रूपे हेबनी। यही भाव देखु आस्ते आस्ते करी मु मिसाई नौ जहाँफल कि सब चूना भल रूपे आमर मिसिब। आस्ते आस्ते करी मिसाई नेली आमर चीनी सह बहुत भल रूपे आमर ये जंतुणीटी रेडी हो गला। आमे तल को उठाई नबा। ये देखु मोर जंतुणी बहुत भल रूपे हो गला। एबे यहाँ अन्य एक जगह को बाहर करना। ये मु अल्प टिके तेल पकाई रखी नौ कहीं बिल्कुल जपरी जंतुणी न लगे। ये सब जंतुणी को रखने अल्प टिके तेल लगाई ये पिठा को आम गढ़ी नवा। देखु ये तेल दे गढ़ी ना ये सब पिठा गुड़ी को गढ़ी नौ कराई बसा नेली अल्प किसी तेल पकाई नेली। एबे तेल को आम गरम हवापाई टिके छाड़ी दबा। ये देखते मोर गरम भी हो गला। यहाँ आम छाणी नवा। हमर तेल भी मध्य गरम हो जाए पिठा को आस्ते आस्ते पकाई छाणीबा। तेल को बेसी मध्य गरम करें ना भल रूपे सीझानी भितर। यही भाव देखु आस्ते आस्ते कर ओलटाई नवा जहाँफल कि आर दुई पर्सन भल सीझ आमर बहुत भल रूपे पिठाटा भी प्रिपेयर हम। ये
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ରୂପେ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ଛାଣିବାନି, ଏହାକୁ ଏବେ ଉଠାଇ ନେବା ତେଲରୁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଲି। ଏବେ ଏଇଠି ପୁଣି ରଖିଥିବା ଅନ୍ୟ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଏହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଓଲଟାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ଗରମ କରି ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହେବନି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚିନିଆ ରିସା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଭଳି ଆମେ ସବୁ ପିଠା ତକ ଛାଣି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏ ଚିନିଆ ରିସା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।